हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के इंग्लिश बुक का सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हैंड का 5th चैप्टर गोलू ग्रोज ए नोज का हिंदी समरी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस कहानी को देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है और क्या क्या जानने को मिलता है। बहुत समय पहले हाथियों के सूंड नहीं होती थी। एक छोटा बच्चा हाथी था जिसका नाम था गोलू। उसके भी कोई सूंड न थी। उसे केवल एक बाहरी निकली हुई बड़ी सी नाक थी जो एक छोटे जूते जैसी आकार में हुआ करती थी और देखने में बड़ा ही वो गोल मटोल दिखाई करता था। गोलू जो था ये सवाल बहुत ही अधिक किया करता था। उसने एक बार शुतुरमुर्ग से पूछा कि तुम दूसरे जानवर की तरह कभी उड़ क्यों नहीं सकते हो। उसने अपने अत्यंत विशाल एक जो दरियाई घोड़ा था उससे भी पूछा कि तुम्हारी आंखें जो होती है हमेशा इतनी लाल क्यों रहती है। कभी कभी उसने जिराफ से भी पूछा कि तुम इतने लंबे क्यों हो और तथा तुम्हारे शरीर पे इतना स्पॉट क्यों है। यानी कि उसे जो भी मिलता उससे वो कोई ना कोई सवाल किया करते रहता था। उसके विचार में सवाल जो थे बहुत ही कठिन थे और जितने भी लोगों से वो सवाल पूछता था कोई भी उसके सवालों के जवाब नहीं देते थे। एक दिन गोलू किसी मैना से मिलता है। उसने उससे पूछा मगरमच्छ भोजन में क्या खाता है। मैना ने गोलू को सलाह दी कि वो लिपोपो नदी पर जाए, वहाँ उसे अपने इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। रास्ते में गोलू एक अजगर से मिलता है। उसने उससे भी वही सवाल पूछा। अजगर ने भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया पर वह चुपचाप गोलू के पीछे चल पड़ा। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसे एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर दिखाई दिया। वास्तव में यह एक मगरमच्छ था, कोई लकड़ी का वो गोला नहीं था। जब उसने गोलू की तरफ देखकर पलक झपकाई तब उसने पूछा क्या तुमने कभी कोई मगरमच्छ देखा है। मगरमच्छ ने उसे बताया कि यह वही है और वह इस जो नदी है इसमें रहता है। मगरमच्छ ने यह बताने के लिए कि यह बात सच है मगरमच्छ के आंसू भी बहाए। यह देखकर गोलू जो है वो डर जाता है। फिर भी उसने मगरमच्छ से पूछा कि वो भोजन में क्या खाता है। मगरमच्छ बोलता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें धीरे से जवाब दूंगा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह गोलू को खाना चाहता था। गोलू उसके पास उसकी बातों को सुनने के लिए पहुंचता है। अब चूंकि उसे पहले से ही ये जानने की इच्छा रहती है इसलिए वो मगरमच्छ के पास चला जाता है। मगरमच्छ ने उसकी नाक पकड़ ली। तब उसने गोलू को बताया कि आज वही उसका भोजन है और वह उसे ही खाएगा। अब अजगर गोलू की मदद के लिए वहाँ आ पहुँचता है जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने गोलू से कहा कि जोर लगाकर खींचो। अब गोलू और मगरमच्छ दोनों एक दूसरे को खींचने में लगे रहते हैं। तब अजगर गोलू के पेट पर रस्सी की तरह बंध जाता है। गोलू के साथ साथ उसने भी अपना जोर लगाया। इस बीच गोलू की नाक फैलती चली गई और अंत में गोलू अपने आप को आज़ाद करने में सफल रहा। पर उसकी जो नाक थी वो 5 फुट लंबी हो गई थी, यानी कि अब जो उसकी नाक थी वो बड़ी हो गई थी। गोलू 2 दिन तक वहाँ इस प्रतीक्षा में बैठा रहा कि उसकी नाक छोटी और ठंडी हो जाए। नाक ठंडी तो हुई नहीं, ना ही छोटी हुई, बल्कि वो जितनी साइज की थी यानी कि जो 5 फुट बढ़ चुकी थी वो उतनी ही रही। अजगर ने कहा कि जो लंबी नाक है इसे सूंड कहते हैं और इसका बहुत ही एडवांटेज भी है, यानी कि ये बहुत ही लाभदायक भी है। इससे हाथी मक्खियों को भगा सकता है, इससे हाथी अपने भोजन की बड़ी मात्रा को अपनी मुंह में डाल सकता है तथा गर्मी में वो जो सूंड है उसके द्वारा वो अपने ऊपर कीचड़ या पानी डालकर अपने आप को अपने शरीर को ठंडक पहुंचा सकता है। ये सभी एडवांटेज उस अजगर ने हाथी को बताया। गोलू ने अजगर को धन्यवाद दिया और वो वहाँ से खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।